अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेक चिकन विथ स्वीट कॉर्न। इसके लिए हमने लिए 3 पीसेस चिकन, जिसको मैंने गहरे कट्स लगा लिए हैं। आप चाहें तो अपनी फैमिली के हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं, छोटे पीसेस भी ले सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, चाट मसाला, हल्दी एंड फूड कलर। नमक मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल, 4 टीस्पून योगर्ट या 2 टेबलस्पून भर के दही के ले लेंगे। इसको चिकन के पीसेस पे अच्छे से मैरिनेट करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। इसमें मैंने लिया था 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हल्दी एंड 1 पिंच ऑफ फूड कलर, 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून योगर्ट। ये सारी चीज़ें हम चिकन में लगा देंगे और इसके कर्स में भी अच्छी तरह से इसको फिल कर लेंगे ताकि ये इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। इसको कम से कम हमने 1 घंटे के लिए रखना है। आप ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। हमारा चिकन मैरिनेट हो गया, इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे और इसको हम बेक करेंगे। बेक करने के लिए हमने एक ट्रे लिए जिसको हमने एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लिया। अभी पीसेस इस ट्रे में रखेंगे। इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे 30 से 35 मिनट के लिए। अब ये बचा हुआ मसाला भी इस चिकन के पीसेस के ऊपर डाल देंगे ताकि ये वेस्ट ना हो। अभी बेक होने के लिए 180 डिग्री पे ओवन में चले जाएंगे। अब इसके साथ सर्व करने के लिए हम बनाएंगे मिंट चटनी। इसके लिए हमें चाहिए पुदीना, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। इसको हम जग में डालेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारे पास है 1 कप योगर्ट और उसमें हम ये ग्राइंड हुआ मिक्सचर ऐड कर लेंगे और हमारी मिंट चटनी तैयार हो जाएगी। इसका कलर तो बहुत अच्छा आ रहा है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। आप इसको बेक चिकन के साथ सर्व करें या किसी भी चीज़ के साथ आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। मिंट चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे अपने कॉर्न्स। आप चाहें तो टिन वाले ले सकते हैं और दूसरे भी ले सकते हैं। मैंने कैन वाले लिए हैं।
1 teaspoon salt, 1 teaspoon red chilies और 1 tablespoon butter. अब हम एक पैन में 1 tablespoon butter लेंगे. इसमें हम कॉर्न्स को ऐड करेंगे. वन पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे. वन पिंच हम इसमें रेड चिलीज़ की डालेंगे और इसको कवर करके हल्की आंच पे रख देंगे. 10 से 15 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए भी आप रख सकते हैं. ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे. इसको हिला लेंगे थोड़ी देर के बाद. अब हम बेक चिकन के साथ सर्व करने के लिए फ्राइज़ बनाएंगे. मैंने फ्रोज़न लिए हैं, आप चाहें तो फ्रेश आलू भी ले सकते हैं. उनको काट के आप फ्रीज़र में रख दें आधे घंटे के लिए और फिर आप उनको फ्राई करेंगे तो वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे. हमने एक पैन में ऑयल ले लिया, इसमें हम अपने फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करेंगे. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो आप इनको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक जो है हमें कमेंट्स में देते रहें. हमारी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर करें. उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी. कॉर्न्स हमारे तैयार हो रहे हैं, फ्राइज भी हमारे गोल्डन होना शुरू हो गए. इनको थोड़ा सा और गोल्डन करेंगे ताकि ये और क्रिस्पी हो जाए. हम चिकन को भी चेक करते हैं, इसकी साइड चेंज कर लेंगे ताकि ये इवनली कुक हो जाए. इनकी साइड चेंज करके रखी हूँ मैं. फ्राइज भी हमारे गोल्डन हो रहे हैं, हल्का सा और गोल्डन करेंगे और इनको हम निकाल लेंगे. आप ये फ्राइज वैसे भी बना सकते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं. हमारे फ्राइज भी तैयार हो गए हैं, हमारा चिकन भी तैयार हो गया. हम इनको सर्व करेंगे मिंट चटनी के साथ जो हमने बनाई थी और केचप के साथ, और साथ में हमारे पास हैं स्वीट कॉर्न्स. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग. दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.